बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हम 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन है हमारे पास। फैक्टराइजेशन के हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिनमें फर्स्ट वैल्यू की हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो लिखेंगे। हम फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं। ये हमारे पास है 18x³ - 9x² + 8x। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 18 की हम तजी कर लेते हैं। 18 को हम करते हैं तो 18 को 6 × 3, जी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 18, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 9x बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 बच जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जोड़े बनाएंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² - 8x - x + 8। अगर हम माइनस माइनस को ऐड करवा देंगे, माइनस 8x को और x को, तो ये माइनस का 9x बन जाएगा। हमने ऐसे करवाना है कि प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू आए, ठीक है। प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू आए, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वैल्यू आए, ठीक है। हम अब इसके फैक्टराइजेशन जोड़े बनाते हैं, तो ये हमारे पास है 6 × 3 × x × x − 8। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा x - 8 और -1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x - 8 बच जाएगा। इसी तरीके से 6 × 3 × x, यहाँ पे हमारे पास कॉमन वैल्यू x - 8 है और दूसरी वैल्यू x - 1 है, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 24x² - 3x + 2, तो ये हो जाएगा 6 × 4, यानी कि 6 × 4 = 24, x² - 2x - x + 2। इसके भी जोड़े बनाएंगे, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x - 2। इसी तरीके से -1 कॉमन लेंगे तो x - 2, एक दफ़ा कॉमन लिख लेंगे और दूसरी तरफ अनकॉमन आ जाएगा, यानी नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है, यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, फिर हमारे पास है x - 1 यहाँ पे और x - 1 ही यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉमन को उठा के एक कॉमन यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये HCF जो है ये क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 36x⁴, 36 × 3x⁴ + 5x³ - 2x². इसी तरह से 54 × 27x⁴ - 4। तो हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 36 × 3x⁴ + 5x³ - 2x², तो 36 की हम तजी करवा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 × 2 × 2। इसके साथ हम x का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जब x का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3x² + यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेंगे 6x - x, तो वो हमारे पास 5x ही बन जाएगा और -2। तो इसको हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे ये सारी वैल्यू को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास x + 2, -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x + 2। अब हम एक कॉमन वैल्यू लिख देते हैं और दूसरी अनकॉमन वैल्यू लिख देते हैं। इसी तरह से हमारे पास सेकंड वैल्यू है 54 × 27x⁴ - x। तो हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, सबसे पहले इसकी तजी करेंगे, तो ये हमारे पास 3 × 3 × 2x बन जाएगा और ये हमारे पास 3x³
माइनस वन आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 27 है, तो एक्स हमारे पास कॉमन आ जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 27 एक्स का क्यूब। तो हम होल का क्यूब ले लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 9 9 3 27, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27 का क्यूब ले लेंगे हम, ये हमारे पास हो जाएगा 3x का क्यूब माइनस वन। अब हम इसे ओपन कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस वन इंटू हमारे पास क्या बच जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम फार्मूला खोल लेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। तो ये हमने वही स्क्वायर फॉर्म में खोल लिया इसे, तो एक दफ़ा हमने इसको यूँ लिख लिया है, और ये 3x का स्क्वायर जो था ये हमारे पास 9x स्क्वायर हो गया, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास 3x हो गया, और ये 1 वैसे का वैसे। अब इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास 3x माइनस 1 और यहाँ पर भी 3x माइनस 1, यानी कि ये जो 3x माइनस 1 है और ये जो 3x माइनस 1 है, ये दोनों क्या हैं कॉमन है। इसी तरीके से हमारे पास 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 और इसमें 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, यहाँ पे भी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 हमारे पास कॉमन है, और यहाँ पे भी x कॉमन है, और यहाँ पर भी हमारे पास x कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस x इंटू हमारे पास कॉमन वैल्यू है 3x माइनस 1, तो हम उसे लिख लेंगे। अब 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 18x के, और ये हमारे पास कॉमन वैल्यू है 3x माइनस 1, तो ये हमारे पास है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।